हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डेस्टिनेशन पे। और कैसे हैं आप लोग ज़रा बताइए। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने स्टडी के साथ काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, पिछले सेशन से हम लोगों ने अपने नए चैप्टर की शुरुआत की है, आधुनिक भारत की। और इस सीरीज को हम लोग लगातार जारी रखेंगे और उसी सिलसिले में आज हमने इसका दूसरा पार्ट लेके आया। तो हम उम्मीद करते हैं आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था बस आपको सिर्फ सुनना है और आपको कुछ भी ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से मैंने पिछली बार लाइव टेलीकास्ट आपके सामने चलाया था, आज फिर उसकी आपके सामने एक चलेगा कि किस तरह से औरंगजेब की समाप्ति होती है और वहाँ से जो है पावरफुल होता है अंग्रेज सरकार और उसका सरकार औरंगजेब का औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर आए हैं उसके उत्तराधिकारी, उसमें कोई भी दम नहीं था। वो किस तरह से अपने साम्राज्य को खोते चले गए, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बिना समय गवाए आज का सेशन शुरू करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पिछली बार हमने देखा था दोस्तों कि औरंगजेब अपने दो भाइयों का विकेट लेके अब निश्चिंत हो चुका था। अब उसके सामने बस एक टारगेट बचा था, उसका भाई शाह शुजा जो कि उस समय बंगाल का शासन कर रहा था। उसके सामने तो गद्दी पर बैठना है, मुगल शासन गद्दी पर बैठने का उसका सपना बहुत नज़दीक हो गया था उसके। तो शाह शुजा को मारने के लिए उसने अपने बेटे का इस्तेमाल किया। यहाँ पर बता दें दोस्तों कि औरंगजेब के पांच पुत्र थे। सबसे पहले बेटे का नाम था मुअज्जम, फिर आजम, फिर कामबख्श, उसके बाद जमरूद और अकबर। यहाँ अकबर सुन के आप वो अकबर द ग्रेट से कंफ्यूज मत करना, ये अकबर द बोका है, ये औरंगजेब का बेटा है, ये महा इंटरनेशनल गधा खिलाड़ी है और इसकी चर्चा भी आगे होने वाली है, इसलिए आप इसको ज़्यादा याद करने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। तो वैसा ही हुआ दोस्तों, उसने अपने बेटे को पूरे लावा लश्कर के साथ पूरे युद्ध की तैयारी के साथ बंगाल भेजा और जैसा कि उम्मीद किया था कि उसको जाएगा और ख़त्म करके चला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ जाने के बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया। अकबर का औरंगजेब का जो बेटा था वो मुअज्जम सास सुजा की बेटी पे फिदा हो गया। उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है, वो बोला साला जाने दो, लड़ाई झगड़ा बाद में होते रहेगा, पहले शादी कर देते हैं। और उसने ऐसा ही किया, सब सास सुजा की बेटी से शादी कर लिया और दोनों ससुर दामाद मिल गए। तो इस तरह से औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो औरंगजेब के सामने बहुत बड़ा टेंशन हो गया कि अब क्या होगा। अगर दोनों सोचा कि अब जो अगर ये दामाद बेटा मिल गया तो मेरा तो विकेट गया। बट यहाँ का औरंगजेब ने उन पर भी विजय पाया और उनको मौत के घाट उतार के अब जो सो अब सिर्फ उसका सपना था कि हम अपने मुगल शासन के गद्दी पर बैठे। और इसके सामने बस अब एक ही रोड़ा बचा था, उसका पिता जो कि शाहजहाँ। अब शाहजहाँ को ये बात तो सारा कुछ पता चल ही गया थी कि औरंगजेब ने किस तरह अपने तीनों भाइयों का हत्या कर चुका है। अब हो सकता है वो यहाँ पे आगमन हो, यानी कि यहाँ पे अब वो आने की कोशिश करें हमारे गद्दी पे बैठने की, दिल्ली की गद्दी पे। तो ये वही औरंगजेब दोस्तों की जो अपने जीवन काल में बहुत चिट्ठी लिखा, जहाँ जहाँ उसको अपने कूटनीति दिमाग का यूज़ करना था उसने बहुत अच्छे तरीके से किया। अब यहाँ पर उसने शिकार बनाया शाहजहाँ को, अपने पिता को। उसने लिखा, फिर से एक लव लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखा और कहा कि हम लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि आप मर चुके हैं, पर आप जीवित हैं, आप बीमार हैं, मैं आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और आपसे मिलने का इच्छा जाहिर करता हूं। बट दोस्तों आप जानते हो कि कोई भी बाप को अपने बेटे का रग रग से वाकिफ होता है और शाहजहाँ बहुत अच्छे से जानता था कि मेरा बेटा औरंगजेब एक नंबर इंटरनेशनल कमीना है। तो उसने इच्छा जाहिर की थी औरंगजेब ने कि आप जो है किला का दरवाज़ा खोलो और मैं अंदर आऊं। बट शाहजहाँ बोला कि तुम चिट्ठी लिखते रहो लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला हूँ, किला नहीं खुलने वाला तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर फिर से टेंशन बन गया औरंगजेब के लिए। अब यहाँ औरंगजेब फिर से अपने कूटनीति का इस्तेमाल करता है और अब अपने बेटों से चिट्ठी लिखवाता है कि दादाजी के नाम पर चिट्ठी लिखो। तो इसी कड़ी में क्या होता है, समय बीतते के साथ शाहजहाँ को लगा कि चलो हो सकता है कि औरंगजेब का हृदय परिवर्तन हो गया, महात्मा बुद्ध और गौतम महावीर की तरह जो है सो इनके इसका भी हो सकता है कि हृदय परिवर्तन हो गया हो। तो इसलिए उसने उसे उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और उसे किला में आने की अनुमति दे दी। यहीं पे दोस्तों शाहजहाँ ने बहुत बड़ी गलती कर दी। 1658 में जहाँ औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को मुसलमान भुज में कैद कर लिया और यहाँ से औरंगजेब और शाहजहाँ की बहुत ही दुख की घड़ी शुरू होती है। वो अपने जीवन में जितना ऐसो आराम से रहने वाला वो मुगल शासक था, वो उतना ही कष्ट में अब जीवन बिताने लगता है। इसी कड़ी में उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम है जहाँ आरा बेगम। वो बेचारी उसकी सेवा शुरू से अंत तक की। 1666 में दोस्तों उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है और वो बीमार पड़ता है। उसकी बेटी उसके साथ तो हमेशा से रही शुरू से अंत तक,
बट 66 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ से शाहजहाँ की जो एक जीवन लीला थी वो समाप्त हो जाती है। और उसके मरने के बाद भी दोस्तों वहाँ पे जो लोग थे वो औरंगज़ेब को अप्रोच किए कि आप उनके शहादत में आओ, उनको कंधा दो, बट उसने आने से मना कर दिया। इतना बड़ा कमीना इंसान था औरंगज़ेब। और जो उनके पास जो भी सीमित लोग थे शाहजहाँ के पास उस समय, जो हिजरे लोग कहने का इतिहासकारों ने इसको मेंशन भी किया है कि जो हिजरे लोग का डिसीजन था कि उसको जो सो मुमताज़ महल के बेगम मुमताज़ के बगल में उसको दफना दिया जाए, तो वही उसके लाश को पैक करके वो नदी किनारे जमुना किनारे पार करके उसको मुमताज़ महल के पास उसको दफना दिया जाता है। तो इस तरह से उसकी जीवन लीला समाप्त होती है। और ये औरंगज़ेब अपना शासन प्रणाली को पूरी तरह से अपने अंदर ले लेता है। और जैसे ही मैंने बताया कि 1658 में उसने उस शाहजहाँ को जैसे ही कैद किया, उसका उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक करवाने के बाद उसने अपना एक उपाधि लिया जिसको कि नाम दिया गया आलमगीर। आलमगीर के नाम से वो फिर से जाना जाने लगा औरंगज़ेब। और उसने दो बार राज्याभिषेक कराया, एक 1659 में भी राज्याभिषेक कराया था और एक 1658 में भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब कहानी शुरू होती है औरंगज़ेब और उसके बेटों की। अब यहाँ से क्या है दोस्तों कि मैं आपको बता दूँ, आपको इतिहास के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा हिंदू पदाधिकारी वो औरंगज़ेब के शासनकाल में ही थे। जितने उच्च पद पे हो चाहे छोटे पद पे हो, सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब के शासनकाल में ही थे। और औरंगज़ेब जबकि हिंदुओं पर क्रूरता भी करता था, उस पर क्रूर भी होता था, यानी कि उसको दुख भी देता था। कहने का मतलब ये है कि 1668 में उसने सारे हिंदू त्यौहारों को बंद करवा दिया, 1663 में उसने तीर्थ यात्रा कर लगवा दिया था, फिर से जजिया कर लगवा दिया था, और उसने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हिंदू मंदिरों को भी तोड़ने का आदेश दिया था। अब ये जजिया कर क्या होता है दोस्तों कि जो भी उस समय जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, यानी कि जो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करते, तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको कि जजिया कर कहते हैं। और जो तीर्थ यात्रा कर जो मैंने बताया, वो तीर्थ यात्रा कर ऐसा करता कि जो भी हिंदू लोग थे जो तीर्थ यात्रा करते थे, तो वो जितने बार पानी में डुबकी लगाते थे नदी में जाने के बाद और डुबकी लगा के बाहर, वो तो उस पर टैक्स लगाया जाता था, यानी कि उस धर्म के नाम पर भी वो टैक्स वसूली करता था। तो इतना सारा बर्बरता और इतनी सारी क्रूरता होने के बाद भी वो उसके शासनकाल में हिंदू पदाधिकारी बहुत थे। तो इसी बीच क्या होता है दोस्तों कि जो मैंने अभी अकबर का जिक्र किया था, अकबर द बोका जो औरंगज़ेब का बेटा है, उसके मन में एक बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था कि काश ऐसा शुभ घड़ी आए कि मेरे बाप का विकेट चला जाए और मैं गद्दी को संभालूँ, यानी कि मुग़ल सल्तनत को अपने अंडर करूँ, अपने हाथ में ले लूँ। बट दूर दूर तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, ऐसा कोई संभावना नहीं था कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो और अकबर शासन में आए। तो अकबर ने दिमाग लगाया, अकबर ने सोचा कि क्यों ना हम एक गुट का निर्माण करें जिससे जो कि औरंगज़ेब से नफरत करता हो और औरंगज़ेब को मारने के लिए आतुर हो। तो वो चला गया दक्षिण की ओर। दक्षिण में जाने के बाद जितने भी मैंने बताया कि जितने भी हिंदू पदाधिकारी थे, उसने दिमाग लगाया कि चलो मान लिए कि हिंदू पदाधिकारी को तो ये कष्ट देता ही औरंगज़ेब, तो सामने गाली नहीं देता वो, बट मन में मन तो गाली देता ही होगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को यूनाइट किया जाए और इन्हीं के साथ जो है औरंगज़ेब के विरुद्ध युद्ध का शुरुआत किया जाए। तो ऐसा ही किया उसने, वो यहाँ से गया दक्षिण और दक्षिण में जाके मिला अपने जितने भी पदाधिकारी थे उन लोगों से, और उसको बोला कि भाई तू मेरा एक काम कर दो बस। बोला क्या काम बताओ? बोला तुम मेरे बाप को मार दो। बोला हाँ हाँ बिल्कुल मारेंगे, उसका बिरयानी बनाएंगे, पहले उसको लेके तो आओ। तो बोला ठीक है, उसको लाने का प्रबंध मैं करता हूँ, बट उसको इस बार जीवित नहीं छोड़ना औरंगज़ेब को। सोचा ठीक है। तो औरंगज़ेब ने क्या, अकबर ने क्या किया कि बहुत ही छोटी टुकड़ी, 100-200 की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी लेकर वहाँ से दक्षिण से चला दिल्ली की ओर। और दिल्ली में आने के बाद उसने बगावत कर दिया औरंगज़ेब के ख़िलाफ़। और औरंगज़ेब को जब यह बात पता चला कि मेरा खुद का बेटा अकबर जो है सो मेरे खिलाफ़ बगावत कर दिया है, तो औरंगज़ेब छोड़ने वाला कहाँ इंसान था, जब वो छोटी छोटी बात पे शक करने वाला इंसान, तो ये तो बगावत उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसने भी 2-3 हज़ार का सेना लिया और उसके पीछे पीछे चल दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अकबर ने काफ़ी दिमाग लगाया था कि हमको किस तरह से एक योजना तैयार किया था कि हमें औरंगज़ेब को किस तरह से फंसाना है। तो उसने वहाँ से भागना शुरू किया और उसके पीछे अपने पीछे पीछे औरंगज़ेब को चलाना शुरू किया। तो अब जो दिल्ली से वो भागा,
तो दिल्ली से भागने के बाद उसका दिल्ली को भागने से भागने का एक डिजाइन था। डिजाइन क्या था कि अगर वो दिल्ली से भाग रहा है दक्षिण की ओर यानी महाराष्ट्र की ओर कहो या फिर बीजापुर की तरफ कहो कर्नाटक की तरफ कहो, तो अपनी सेना को ना वो पीछे छोड़ते हुए जा रहा था थोड़े थोड़े दूर पे। ऐसा ना हो कि औरंगजेब अगर पीछे आ रहा है तो वो महाराष्ट्र ना पहुँच के वो गुजरात पहुँच जाए या फिर बंगाल पहुँच जाए। तो इस तरह से उसने उसको पीछा कराते कराते जैसे ही दक्षिण में इंटर हुआ तो औरंगजेब जैसे ही देखता है तो उसका टावर फिर छोड़ देता है। यानी कि वो वहाँ पे सैनिक टुकड़ी मतलब लाखों की संख्या में पहले से एकत्रित करके रखा है अकबर, और ये तो अपने थोड़ी सी से सेना को लेके गया था। अब जैसे ही वहाँ पहुँचा ये तो आ गया फुल नेटवर्क में अपना अकबर, और औरंगजेब हो गया आउट ऑफ कवरेज एरिया। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब औरंगजेब को लगने लगा कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, और मन ही मन उसके दिमाग में ये भी ख्याल आया होगा कि हाँ अकबर मेरा ही बेटा है, इस तरह का षड्यंत्र और कोई नहीं रच सकता, इस तरह की कूटनीति कोई और नहीं कर सकता। तो अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया कि फिर से उसका तो आप पहले ही मैं बता चुका हूँ कि उसने चिट्ठी लिखने माहिर था, उसने फिर से एक चिट्ठी लिखा अकबर के नाम। और इस बार उसने क्या लिखा, मेरे प्रिय पुत्र अकबर, तुमने वो काम करके दिखाया जो हमारे पूर्वज आज तक कभी नहीं कर पाए। हमारे ही पदों पे आसीन, हमारे ही द्वारा दिए गए पद और हमारे ही द्वारा दिए गए वेतन पे जो हिंदू पदाधिकारी काम कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ़ भी जा सकते हैं, ये हमें कभी नहीं पता चलता अगर तुमने ये कूटनीति ये षड्यंत्र नहीं रचा होता। तो अब हम पिता और पुत्र मिलके पूर्व निर्धारित योजना के तहत इनको अपने अपने योजना को अंजाम देंगे और फिर चलेंगे दिल्ली की तरफ। अब ये चिट्ठी जैसे उसने लिखा और उस एक दे दिया एक संदेश वाहक को, और उसको बोला कि ये चिट्ठी अकबर को दे दो, और रास्ते में अगर कोई तुमसे मांगे तो उससे बोलना ये अकबर के लिए है, मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो दोबारा मांगे तो उसको ज़रूर दे देना, और उसको बोल देने के बाद ज़रूर बोलना है कि ये बात किसी से मत कहना। अब जो भी उस चिट्ठी को पढ़ता था यानी कि जैसे ही वो संदेश वाहक वहाँ से निकला जा देने के लिए तो उसको जितने भी रास्ते में मिले उसको दिया, वो पढ़ा, सबके दिमाग में अब टेंशन हो गया कि ये बाप बेटा का करतूत है, दोनों ने मिलके हमें फंसाने का साजिश रचा था। और इस तरह सब अपने मन में ही मन मनमनाया हुआ था कि अब तो हम लोग गए। तो जैसे ही चिट्ठी अकबर के पास पहुंची है अकबर का भी दिमाग ख़राब कि ये क्या हो गया, ये तो एक नया गेम खेल दिया औरंगजेब ने। अब वो चिट्ठी पढ़ते ही उसको फाड़ देता है। अब वो चिट्ठी जैसे ही फाड़ा तो बाकी जो अधिकारी थे उनका शक और भी अपने यकीन में बदल गया कि ज़रूर इन दोनों का मिलीभगत है और हम लोगों का अब अंतिम समय है। तो ये इस तरह से क्या हुआ कि उसका जो गठबंधन था वो टूट गया और अकबर अकेला छूट गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, औरंगजेब के हाथ चढ़ा अकबर, लेकिन वो वहाँ से भागने में सफल हो गया किसी भी तरह। लेकिन औरंगजेब का खौफ इतना था कि उसको कोई भी शरण नहीं दिया, पूरे भारतवर्ष में उसे कोई भी शरण नहीं दिया सिवाय एक इंसान के, मराठा साम्राज्य में शिवाजी थे, शिवाजी का एक बेटा, उन्होंने उसको शरण दिया था। तो ये एक अलग कड़ी होगी, वो मैं जब मराठा साम्राज्य पढ़ाऊँगा तो उसमें बहुत डिटेल में उसको समझाऊँगा। तो वहाँ पे उसको कुछ दिन वो शरण में रहा और उसको इतना डर था कि वहाँ से वो पैदल ही भाग गया ईरान, इतना उसको खौफ था औरंगजेब का। तो इस तरह से वो फिलहाल तो उस समय से चला गया। और ये घटना है दोस्तों लगभग 1681 की, और 1681 से लेके 1707 तक औरंगजेब ने अपने प्रशासन को भलीभांति वहाँ पे चलाया, अपने साम्राज्य को विस्तृत किया और दक्षिण में। और उसको एक समय जब ऐसा आया 1707 आते आते कि उसे लगने लगा कि हो सकता है कि मेरे दक्षिण अभियान के चक्कर में मेरे हाथ से ये उत्तर भारत भी ना निकल जाए, इसलिए मुझे उत्तर भारत की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे ही वहाँ से वो कूच करता है कि अब हमें उत्तर भारत की तरफ चलना चाहिए, दिल्ली की तरफ चलना चाहिए, लेकिन उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है। और इस तरह से औरंगजेब का अध्याय समाप्त होता है। इसको और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब मुगल शासन जब पढ़ाएंगे इसके ख़त्म होने के बाद, तो फिर देखेंगे। तो यहाँ से औरंगजेब का अध्याय समाप्त होता है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ एक बड़ा क्वेश्चन चिन्ह उत्पन्न हो जाता है कि अब इसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन, क्योंकि एक और ये औरंगजेब ही था जो अपने बुद्धिमत्ता से अपने कूटनीति से इतने बड़े साम्राज्य को हैंडल कर रहा था, लेकिन वो अपने कुछ अवगुणों के कारण यानी कि शक के कारण और उसको किसी पे भरोसा नहीं होने के कारण उसने कोई भी एक योग्य उत्तराधिकारी को
उसको बनने तक का मौका ही नहीं दिया, किसी पे वो भरोसा ही नहीं कर पाया। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी दोस्तों मुगल शासन के पतन की। अब आपका कंपटीशन शुरू होगा, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली यहीं से शुरू होंगे और ये आपका जो बैकग्राउंड है ये आपको याद करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। तो देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब ये जो खाली पना है उत्तराधिकारी का, इसको भरने के लिए अब मैंने बताया था कि उसका सबसे बड़ा बेटा नाम है मुअज्जम, दूसरा आजम। तो उस समय मुअज्जम था काबुल में, यानी कि अफगानिस्तान तक इसका फैला हुआ था। तो जैसे ही इसको पता चलता है मुअज्जम को कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो उसने क्या किया, वहाँ से कूच किया दिल्ली की तरफ कि हमें राजा बनना है और हम राज्याभिषेक कराएंगे और दिल्ली में जाके सबसे पहले राजगद्दी को संभालेंगे। बट इससे पहले भी एक कहानी है दोस्तों कि आजम औरंगजेब का सबसे चहेता पुत्र था और ये सारा ज़माना जानता था कि औरंगजेब के बाद अगर कोई शासक बनेगा तो आजम बनेगा। तो वहाँ मुअज्जम को बहुत टेंशन था कि साला मेरे जाने से पहले ही कहीं आजम का राज्याभिषेक ना हो जाए। तो उसने क्या किया कि लाहौर के पास ही एक पुल पड़ता है जिसका नाम था शाहदौलापुर, वहाँ पर उसने खुद का राज्याभिषेक करवा लिया। और राज्याभिषेक करवाने के बाद वहाँ से फिर से आया दिल्ली, लेकिन वो जानता था कि हमें ये उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए एक बार आजम से लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद आजम से उसे एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ी और इसमें आजम की मौत हो जाती है और सिर्फ बच जाता है मुअज्जम और एक कामबख्श बचता है उसका भाई, कामबख्श को भी वो निपटा देता है एक छोटे से युद्ध में। तो यहाँ से राजगद्दी पे बैठता है आपका मुअज्जम, जिसका जो कि औरंगजेब का बेटा है। और ये गद्दी पे बैठने के साथ ही ये एक उपाधि धारण करता है और वो अपना नाम बदल देता है, जिसका नाम है वो अपना नाम लेता है रखता है एक बहादुर शाह प्रथम। अब ये बहादुर शाह जफर मत चले जाना दोस्तों, ये बहादुर शाह जफर में कन्फ्यूज मत करना, ये बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर सबसे लास्ट में आएगा। इससे पहले 7-8 जो सो शासक बनते हैं, जिसका कि नाम आपका जहांदार शाह है, फरुख सियर है, रफ़ीउद्दौला है, उसके बाद फिर मोहम्मद शाह आता है, फिर आराम शाह आता है, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, उसके बाद फिर बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना। तो उसने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की और उसने जो लड़ाई लड़ी थी आजम के साथ, वो एक पुल पे जो कि जिसका नाम था कि जरायु का पुल, जरायु के पुल पे उसने निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। और दोस्तों बहादुर शाह जब शासक बना था तो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, यानी कि हम कह सकते हैं कि मुगल शासन में सबसे वृद्ध अवस्था में अगर किसी ने शासन को प्राप्त किया था तो बहादुर शाह प्रथम था। अपने उम्र के 63 वर्ष में उसने गद्दी पर बैठा था, इसलिए वो बहुत ही उदासीन प्रवृत्ति का इंसान, यानी कि कह सकते हैं उदासीन मतलब कि अगर कोई काम करना है तो होगा ना, देख लेंगे ना, कर लेंगे ना, अभी छोड़ो बाद में करेंगे, इस टाइप का था उसका नेचर। तो इसी नेचर की वजह से कुछ इतिहासकारों ने, जिसके यहाँ खफी खान ने उसको एक उपाधि दिया था जिसका नाम था साहेब बेखबर, यानी कि उसको किसी चीज़ की खबर नहीं रहती थी, यानी वो बहुत ही बेखबर इंसान था और अपने उम्र के ढलान की वजह से वो ज़्यादा एक्टिव नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर ने 5 सालों तक लबालब शासन किया, उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है, लेकिन उससे पहले भी क्या होता है दोस्तों कि एक्चुअली में बहादुर शाह प्रथम जो है सो शिया धर्म का होता है, शिया और सुन्नी आप तो जानते हैं हमेशा लड़ाई चलती रहती है, जैसे कि अभी आपका फिलिस्तीन और इसराइल में चल रहा है, शिया सुन्नी का ही मामला है। तो शिया धर्म का था आपका ये बहादुर शाह प्रथम और सुन्नी गुट का भी एक आप उसके प्रशासन में गुटबाजी शुरू हो गई थी। तो ये गुटबाजी एक तो शिया और एक सुन्नी ग्रुप तो बन ही गया था, और दूसरा था जिसमें कि जो ईरान के लोग थे, यानी कि ईरानी गुट था, ईरानी टोटल देखो दोस्तों उस समय जो गुटबाजी शुरू हुआ तो उस समय 4 गुट में डिवाइड हो गया उसका प्रशासन, जिसमें कि पहला था ईरानी गुट, दूसरा तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी, जिसमें कि सबसे घृणित और सबसे जो अपेक्षित नज़र से देखा जाने वाला था वो हिंदुस्तानी गुट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लोगों का मानना था कि हिंदुस्तान के जो भी मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, इसलिए वो उसको प्योर मुस्लिम नहीं मानते थे। तो जो अपेक्षित नज़र से देखा जाता था वो हिंदुस्तानी गुट को देखा जाता था, और जो इसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था वो था आपका ईरानी गुट, जो कि शिया धर्म से बिलोंग करता था। अब देखिए दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम के समय शासन का मोड़ इस तरह हो गया, मुगल शासन का वर्चस्व इस तरह से धीरे धीरे समाप्त होने लगा कि अब वो पावर नहीं रहा है कि बादशाहों, जो मतलब कहा जाता था कि
मुगल शासक के मुंह से निकला हुआ एक भी आदेश वो ईश्वरीय आदेश होता था, बट अब वो बात रही नहीं थी। अब ये सब गुटों में बट के ये पूरा विभक्त हो चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था। इसी क्रम में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो अब उनके बाद जो भी उनके पुत्र थे उनके बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है, बट उनमें से किसी में भी इतना औकात नहीं था कि वो खुद को घोषित कर सके कि मैं राजा बनूंगा। एक समय था दोस्तों कि मुगल शासक जो थे वो हवा के रुख को अपनी तरफ मोड़ देते थे। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो डिसाइड करते थे कि हाँ मुझे राजा बनना है तो मैं बनूंगा, इस तरह का उनका एटीट्यूड था। बट अब वो एटीट्यूड रहा नहीं, अब ये पावर चला गया किसके पास, ये इन गुटों के पास, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी गुट के पास। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो ईरानी गुट था, और ईरानी गुट के नेता थे एक जुल्फिकार खान। तो जुल्फिकार खान ने देखा कि मैं एक ऐसे नेता को बनाऊं या फिर ऐसे शासक को बनाऊं जो मेरी बात सुने और मेरा कहा माने। तो उसी क्रम में एक उसको मिलता है जहांदार शाह, ये इंटरनेशनल गधा है, इसको अपने पर्सनल लाइफ और प्रशासनिक लाइफ इसमें अंतर समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जहांदार शाह एक्चुअली में बनाया गया था, ये बना नहीं था। तो जहांदार शाह और इसका पीएम जो बोला मैंने आपको जुल्फिकार खान, वो इसका प्रधानमंत्री बनता है। तो जहांदार शाह के शासन में एक नर्तकी थी जिसका नाम था लाल कुंवर, और ये लाल कुंवर के प्रेम में, यानी कि वो बेसिया थी कह सकते या नर्तकी थी कुछ भी बोल सकते हो, तो उसके प्रेम में वो इतना पागल था कि उसे अपने प्रशासन का, अपने राजपाट का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। उसको सारे लोगों ने, जुल्फिकार खान ने भी समझाया कि देखो दोस्त, देखो कि मुगल शासक का एक अपना इतिहास रहा कि अकबर भी रंगीला मिजाज के थे, शाहजहाँ भी और जहांगीर भी अपने अपने समय में रंगीले मिजाज के थे, लेकिन उन्होंने एक सेपरेशन बना के रखा था प्रशासन और पर्सनल लाइफ में, लेकिन तुमको भी ये करना चाहिए। बट ये बोला इंटरनेशनल गधा था, इसको समझ में आया कुछ नहीं, तो ये किसी की बात सुना नहीं। तो ये लाल नर्तकी जो थी लाल कुंवर के प्रेम में पागल था, और इसने एक काम अच्छा किया था जो कि जजिया कर को हटाया था। दरअसल में आपको तीन चीज़ याद रखना है कि इसका जो प्रधानमंत्री था वो जुल्फिकार खान था, और तीसरा कि इसके जो इसके प्रेम में ये पागल था उसका नाम था लाल कुंवर, और तीसरा आ जाता है लंपट मुर्ख। इसको नाम दिया गया था इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि मैंने बताया कि वो किस तरह से अपने प्रशासन के कामों में काफ़ी ढीला था, वो बिल्कुल सशक्त नहीं था इस सब कामों में, और इसी वजह से इसके इतिहासकारों ने एक नाम दिया था जिसका नाम था लंपट मुर्ख। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में कभी भी आ सकता है, काफ़ी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि लंपट मुर्ख के नाम से मुगल शासक कौन सा जाना जाता था, तो आप जहांदार शाह का नाम ले सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप जाल शब्द का यूज कर सकते हो, देखो जैसे जहांदार शाह, जैसे जुल्फिकार खान, और जैसे जजिया कर को समाप्त किया था, ल से हो जाएगा आपका लंपट मुर्ख और लाल कुंवर। तो इस तरह से जाल जो एक कीवर्ड है आपका, उससे आप इसको याद कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, ईरानी गुट वाले ने तो अपना राजा बना दिया था जहांदार शाह को, लेकिन बाकी गुट वाले जो थे वो क्या मुँह, मतलब हाथ पे हाथ धरे तो बैठ सकते नहीं है। उसने भी अपना दिमाग लगाया, वो सोचते थे कि मैं अपने हिसाब से राजा बनाऊं ताकि मेरा वर्चस्व कायम रहे। एक कठपुतली बन गया था उस समय, जो भी प्रशासन में आया, जितने भी राजा बने, जो भी शासक बने, वो सब कठपुतली बन गए थे इन चारों गुटों के हाथ में। तो इसी क्रम में दोस्तों, एक पटना का शासक था जिसका के नाम था फरुख सियर, ये भी इंटरनेशनल गधा। ये सोचा कि जब ये जहांदार शाह जैसा मूर्ख आदमी बन सकता है शासक, तो मैं क्या कम गधा हूँ, क्या कम मैं मूर्ख हूँ जो मैं नहीं बन सकता। तो उसने एड़ी चोटी की जोर लगा दी कि मुझे शासक बनना है। अब उसे शासक बनना है तो अब इन्हीं चारों गुटों में से कोई ना कोई उसको सपोर्ट करता तभी जाके वो शासक बन सकता था। तो ईरानी गुट का तो पहले से ही बना हुआ था। तो इसी क्रम में एक आता है जो कि बिहार का हिंदुस्तानी गुट के कुछ मुखिया थे जिसका कि नाम था सैयद बंधु। ये बिहारी शासक ही थे इन दोनों, और ये सैयद बंधु में दो भाई थे जिसका कि नाम था एक अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन अली खान। ये सैयद बंधु दोस्तों बहुत दिमाग के तेज थे, वो जो बोले ना कि जिस अपेक्षित नज़र से बिहार हिंदुस्तानी गुट को देखा जाता था, उसको इन्होंने हटाया, उस कलंक को इसने धोया सैयद बंधु ने। और सैयद बंधु ने देखा कि
अगर मैं फर्रुख सैयद की मदद करता हूँ उसको बनने में, यानी कि उसको शासक बनने में, तो हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये सैयद बंधु दोस्तों इतना पावरफुल था कि इसने ये पूरे मुग़ल काल में 4 शासकों को राजा बनाया। सोचिए दोस्तों, 4 शासकों को राजा बनाया। पहला तो उसने फर्रुख सैयद को बनाया किसी तरह, ठीक है। अब फर्रुख सैयद जब शासक बन गया, तो फर्रुख सैयद मैं बोला कि आपको बिल्कुल गधा आदमी था, यानी कि जब ये शासक बना तो उसके दिमाग में जो बाकी लोगों के गुट के दो लोग थे वो उसके दिमाग में भरते रहा कि देखो कि ये एक प्रधानमंत्री बन गया है, उसका सैयद बंधु का भाई एक प्रधानमंत्री बन गया, एक सेनापति बन गया, ये लोग जो चाहे जब चाहे जब कर सकते हैं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जब जब सुनता था फर्रुख सैयद तो उसका दिमाग ठनक जाता था कि क्यों ना हम सैयद बंधु को मरवा दें ताकि हम फ्री हो रहे, अपना मेरे ऊपर कोई वर्चस्व ना जमा सके। तो इसी क्रम में दोस्तों उसने क्या सोचा कि सैयद बंधु में से एक भाई को उसने बोला कि तुम जाओ दक्षिण की यात्रा पे और वहाँ इस राजा के पास जाकर तुमको सेवा देना है। तो और जिस राजा के पास उसने भेजा था दक्षिण में, वहाँ उसने पहले ही से बोल दिया था कि ये सैयद बंधु जा रहे हैं, तुम इसको ख़त्म कर देना। और ये बात सैयद बंधु को जाते वक्त ही पता चल गया। अब जाते वक्त पता चल गया तो उसने क्या किया कि उसने सारी शाही सेना को वहीं छोड़ दिया और पैदल खुद अकेले चला गया उस राजा से मिलने जिसको कि बोला था कि सैयद बंधु को मार देने के लिए। और वो गया वहाँ, और ये काम जो सो एक हिंदुस्तानी ही कर सकता था, जिगरा वाला कर सकता था, बिहारी कर सकता था, तो वहाँ वो गया और उसने उसको जाके बोला कि मुझे फर्रुख सैयद ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। ये बात सुन के उसको चौंक गया कि ये तो मुझे बोला था तुम्हें मारने के लिए। लेकिन फिर से सैयद बंधु ने समझाया कि मुझे पूरे शाही सेना के साथ तुम्हें भेजा है तुम्हारा विकेट लेने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम काफ़ी ईमानदार आदमी हो, तुमने अपने जीवन भर इसकी सेवा की है, तुम्हारे साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है, तो चलो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसी का खात्मा कर दें। तो वो दोनों अब एक हो जाते हैं और एन के एन प्रकार ने उसको फर्रुख सैयद को मौत की घाट उतार देते हैं। अब सैयद बंधु के सामने बड़ा टेंशन हो गया कि सैयद बंधु ने एक ऐसे नेता को बना दिया था राजा जो कि ज़्यादा टिका नहीं और मतलब मूर्ख तो था ही वो, तो मूर्ख की सीमा उसकी इतनी हद तक गिर गई थी कि वो दूसरे के बहकावे में आके सैयद बंधु को ही मारने का प्लान बना लिया था। तो अब वो सोचा कि अब ऐसे आदमी को बनाया जाए जो ज़्यादा तेज ना हो, जो कि इस टाइप का निकले, या फिर ज़्यादा बुड़बक ना हो, जो कि जहाँदार सागे टाइप का निकले। अब चुना था रफ़ी उद्दरजात को उसने शासक के रूप में चुना, लेकिन वो भी एक नंबर का शराबी था। वो उस समय में दोस्तों उसको टीवी था, क्षय रोग था, और वो इतना शराब पीता था कि और जब उसका दिन का शुरुआत ही शराब से होता था और रात का अंत भी शराब से ही होता था, तो वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिका और वो क्षय रोग के कारण जो है सो 6 महीने के अंदर अपना विकेट गंवा दिया। अब जो है सैयद बंधु के सामने फिर से टेंशन हो गया कि मैं जिसको बना रहा हूँ वो शराब टिकता ही नहीं है। फिर उसने बनाया रफ़ीउद्दौला को। रफ़ीउद्दौला भी बेवकूफ़ तो था ही, बट उसके साथ एक दिक्कत था कि वो अफीम बहुत ज़्यादा था, यानी अफीमची था, तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला और 6 महीने के अंदर वो भी मृत्यु को प्राप्त कर गया। इस तरह से अब सैयद बंधु को हो गया भारी टेंशन कि मैं जिसको बनाया जा रहा हूँ मेरे इज्जत पे भी सवाल आ रहा है, मैं जिसको भी शासक बनाता हूँ वो ज़्यादा दिन टिकता ही नहीं। तब उसने सोचा कि अब कुछ मतलब कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए शासक के लिए जो हमारी बात को भी माने और कुछ मतलब मरे नहीं। तो अब उसकी नज़र गई 19 साल के शासक जिसका नाम था मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह का करेक्टर भी बहुत गजब का था, तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। मोहम्मद शाह के बारे में इसके अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी काफ़ी रोमांटिक कैरेक्टर का आदमी है और उसके शासनकाल में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग घटा था जो कि आपको बहुत जानना चाहिए और वो कॉम्पिटिशन के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी है। और बस आप कहानी सुनते रहो, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको सारा कुछ कभी दिक्कत नहीं होने वाला। और तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप इस चैनल पे बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और आपका जो भी सजेशन हो दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।